एक बात बताओ रंगीला। हाँ बोलो ना भाव। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताजुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाव। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाव। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे। भाव वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे प्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको, फटाफट कड़ी मारो, फटाफट फटाफट। अकेला है वो? नहीं नहीं उसके साथ गुंडे भी हैं। वो दे क्यों बेटा, थक गए साइकिल चला के? अरे कबूटे भाई, अरे यहाँ करोड़ी मल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है, भूले नहीं? क्या याददाश्त थे साले की, अभी तक नाम याद है। सर जी कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों उस तरह तू ले जाएगा? नहीं मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ, तो क्या खास बात है? खास बात है मैं, अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 130,000 रुपए। तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती? अच्छे खासे राज घराने का है, तेरे बाबूजी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान ली तूने? तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता पे? आप लोग चलिए यहाँ से, सेठ जी मुजरा कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। हाँ, चलिए चलो। क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ, मैं मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? 3 दिन में चुका। हाँ। दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं, 3 महीने बोले। 3 दिन? 3 महीने तूने बोले? 3 दिन बोला? अरे तू जरा छोटू बेटा क्या बोला था? 3 दिन बोले थे? 3 महीने बोले थे? 3 दिन बोला था ना? 3 महीने बोले थे? 3 दिन? मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी। हाँ सेठ जी, इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए, इधर आइए। क्या रे, मेरे तो बोलने को होता नहीं क्या तेरे को? क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल बोल बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूँ पैसे वसूल करने के लिए? सेठ जी बात तो सुनिए, शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग रिनोवेशन वगैरह, इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा, पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ। पहली बार अकल की बात की है तूने। चल ठीक है, आजा। ए कंगले, ए भूखे नंगे, क्या कर रहा है? अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत है। ठीक है। खटिया चाड़ा लगे जाड़े में पनी खाना है। रंगीले। हाँ। तूने नमक नहीं खरीदा? ओ भूल गया भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ले रे। ए, खाली नमक चाहिए ना? हाँ अभी ला के देता हूँ। जल्दी ला के दे। बेंजी बेंजी थोड़ा सा नमक वो लाना भूल गया। थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर काम कर, पानी उबाल। अरे बंदर क्या जाने आता है। और ये लो। कचरा कितना है?
आराम ज्यादा, तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं नहीं।